हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज बात करते हैं शीट मास्क के बारे में। शीट मास्क आपके स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मंथ में एक बार शीट मास्क ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि एक शीट मास्क की गुडनेस आप पूरे एक मंथ तक यूज़ कर सकते हैं, यस, एक शीट मास्क आप पूरे एक मंथ तक यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसकी गुडनेस को फील कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एक शीट मास्क को अपने पूरे मंथ यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी ब्रांड का शीट मास्क ले सकते हैं। मैंने यहाँ गार्नियर का शीट मास्क लिया है। बहुत सारे लोग शीट मास्क को लेकर डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई कर लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको फॉलो करने हैं ये स्टेप्स। सबसे पहले हम फेस को वॉश करेंगे एंड मैंने यहाँ लिया है द मॉम्स को का क्ले फेस वॉश। आपने मेरे स्मिटन हॉल की वीडियो देखी हो तो मैंने ये ट्रायल पॉइंट्स में मंगाया था। गाइस, मुझे एक बार ट्राई करके देखना था कि ये फेस वॉश कैसा है, तो मैंने ये स्मिटन हॉल से मंगाया था एंड लिटरली गाइस ये काफी अमेजिंग है। फर्स्ट बार के यूज में ही मुझे काफी अच्छे रिजल्ट लगे इसके। एंड मैं जल्दी से फेस को वॉश कर लेती हूँ। एंड कलर की बात करें तो ये थोड़ा सा ग्रे कलर में था, क्योंकि ये क्ले मास्क है तो थोड़ा सा ये डार्क ग्रे कलर में था। एंड मैं हल्के हाथ से अपने फेस पर मसाज करके अपने फेस को वॉश कर लूँगी। इसको वॉश करने के बाद मेरी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी, तो मुझे ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा लगा। एंड मैं इसका बड़ा पैक भी ऑर्डर करने वाली हूँ। अभी तक मैं द मॉम्स को का विटामिन सी फेस वॉश यूज़ करती थी एंड ये मेरा सेकेंड फेवरेट फेस वॉश है। आई थिंक प्रोसेस कम्प्लीट हो गई है, तो मैं जाके अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। तब तक आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पर तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो उसके लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, इसी के साथ मेरा फेस वॉश हो गया है एंड स्किन काफ़ी सॉफ्ट लग रही थी। मुझे ये फेस वॉश बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी द मॉम्स को का स्क्रब एंड ये ग्रीन टी का स्क्रब है। एंड मुझे इसको भी यूज़ करके देखना था, काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके थे, रिव्यूज़ इसके काफ़ी अच्छे देखे थे, तो मैंने सोचा था कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ। ग्रीन कलर में था, ग्रीन टी है एंड बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स थे इसके अंदर। अगर बात करें इसकी फ्रेगनेंस की, तो इसकी फ्रेगनेंस कुछ थोड़ा सा ग्रीन टी टाइप थी। एंड ग्रीन टी का फेस वॉश है तो ऑब्वियसली यार ग्रीन टी की ही स्मेल आएगी, लेकिन बुरी नहीं थी, अच्छी थी। एंड मैंने थोड़ा सा स्क्रब और लिया एंड अपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई किया। ज़्यादातर स्क्रब में प्रॉब्लम ये होती है ना कि आपके स्किन पर रैशेस छोड़ जाता है, रेडनेस हो जाती है, लेकिन ये स्क्रब ने डीपली क्लीन भी किया आपकी स्किन को और कोई रैशेस वगैरह नहीं छोड़ के गया। इन द मॉम्स को का ये स्क्रब मुझे बहुत पसंद आया, ग्रीन टी वाला। आप चाहें तो स्मिटन हॉल में ये छोटा सा सैंपल पैक मंगा के जरूर यूज करके देखिएगा एंड मेरे साथ रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। एंड इसी तरह से हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है एंड अब बारी आती है अपना फेस शीट मास्क को अप्लाई करने की। फेस को अच्छे से पैड ड्राई करने के बाद मैं इस शीट मास्क को अप्लाई करूंगी। मास्क से पहले ये दोनों स्टेप बहुत ज़रूरी हैं, इससे आपकी स्किन जो होती है ना वो डीपली क्लीन हो जाती है एंड ओपन पोर्स क्लीन हो जाते हैं, उसके बाद आप शीट मास्क अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम शीट मास्क अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीछे जो है वो सारे इसके स्टेप्स दे रखे हैं एंड आप वीडियो देखेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको शीट मास्क ओपन कर लेना है, साइड से शीट मास्क पे कट लगाए, इधर से हम ओपन कर लेंगे। बहुत इजीली ये ओपन हो गया। इस पैकेट में से शीट मास्क को बाहर निकाल लेंगे एंड जो भी इसके अंदर सीरम वगैरह है उसको हम एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देंगे एंड ये वाला पैकेट में साइड में रख देती हूँ। एंड गाइस, इस शीट मास्क में बहुत ज़्यादा सीरम होता है एंड हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे सीरम को वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारी स्किन में जो पोर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वो थोड़े ही सीरम में फिल हो जाते हैं। एंड उसको एब्जॉर्व करने के लिए मैं यहाँ पर स्टेप आपको बताऊँगी कि कैसे हम ईजिली सीरम को बहुत अच्छे से अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। यहाँ मैंने ये शीट मास्क अप्लाई कर लिया है। ब्लू वाले साइड को बाहर रखना है एंड वाइट वाले साइड को हमें अंदर रखना है एंड देन जब वो अच्छे से सेट हो जाएगा फेस पे, ब्लू वाले शीट को हटाकर अलग कर देना है। फेस अगर शीट मास्क पर अच्छे से फिट नहीं हो रहा है तो आप शीट मास्क को अपने हिसाब से सेट करेंगे। यहाँ पर कॉर्नर में दो और कट दे रखे हैं, वहाँ से मैं उसको एक साइड कट करके उसको अच्छे से लगा लूँगी एंड दूसरी साइड भी कट करके लगा लूँगी, जिससे मेरा शीट मास्क पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई हो गया।
बहुत सारे लोग शीट मास्क को अप्लाई करके अपना फ़ोन चलाने लगते हैं, सो जाते हैं, लेट जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। शीट मास्क में जो सीरम है ना, उसको अपने फेस पे, अपने ओपन पोर्स में अच्छे से एब्जॉर्ब करवाना है। एंड इसके लिए मैं आपको यहाँ पर टेक्निक बताऊँगी, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ईजी है। एंड यहाँ पर मैं फेस रोलर ले रही हूँ एंड उसको अच्छे से अपने फेस पर अच्छे से मसाज करूँगी। अपवर्ड डायरेक्शन में हमें मसाज करनी है अपने फेस पर। एंड शीट मास्क जहाँ जहाँ शीट मास्क है उसको पूरे पर फेस रोलर को अप्लाई करना है। अगर आपके पास फेस रोलर नहीं है तो आप स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं। इस टेक्निक की हेल्प से शीट मास्क का सारा सीरम आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। यही सही तरीका है शीट मास्क को अप्लाई करने का। कम से कम आपको 5 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स अपने फेस पर मसाज करनी है। अगर आप लोग पहले से शीट मास्क अप्लाई करते आ रहे हैं तो आप ये टेक्निक यूज़ करके देखिएगा, आपको इस तरह से यूज़ करने पर शीट मास्क का डबल रिजल्ट मिलेगा। लगातार आपको फेस रोलर से मसाज नहीं करनी है, आप उसको 10 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। एंड आफ्टर 10 टू 15 मिनट्स जब आप इस शीट मास्क को फेस से रिमूव करेंगे, देन आप देखेंगे अपने फेस पर ग्लो। OMG, यू कैन सी द ग्लो, आपकी स्किन बटरी सॉफ्ट हो जाएगी। सीरियसली गाइस, मंथ में एक बार शीट मास्क ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एंड जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊं, आप वो अप्लाई कीजिएगा तो आपको मंथ में 4-5 शीट मास्क अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शीट मास्क को रिमूव करने के बाद भी आपको फेस रोलर अपने फेस पर अप्लाई करना है, ऐसे जैसे ही मैं वीडियो में कर रही हूँ। मेकअप से पहले भी आप ये स्टेप कर सकते हैं, ब्राइडल मेकअप हो या फिर कोई भी पार्टी हैवी मेकअप हो तब भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। 10 to 15 मिनट्स आपको अपने स्किन को देना पड़ेंगे। गाइस, जो शीट मास्क हमने फेस पर अप्लाई की थी उसके अंदर बहुत सीरम होता है, ना आप उस सीरम को अपने एक कांच की बरनी लेकर उसके अंदर कर लेंगे एंड पैकेट में बचे हुए सीरम को भी हम कांच की बरनी में कर लेंगे। एंड गाइस, यही वो मैजिकल नाइट क्रीम है जो आपको रोज रात में अपने फेस पर अप्लाई करना है। शीट मास्क में बचे हुए सीरम और उसमें ऐड करेंगे हम अपना फ्रेंड, समर्स का फ्रेंड होता है एलोवेरा जेल। स्किन को हेल्दी रखने में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो होता है एलोवेरा जेल, एंड उसी को हम ऐड करेंगे इस सीरम में। यहाँ मैं एलोवेरा जेल के 3 to 4 स्पून ले लूँगी एंड एक स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो गाइस, फाइनली हमारी मैजिकल नाइट क्रीम बनके तैयार हो गई है जो हमें शीट मास्क का फील दिलाएगी पूरे मंथ। इस मैजिकल नाइट क्रीम को अप्लाई करने की प्रोसेस बिल्कुल सेम होगी। सबसे पहले अपने फेस को वॉश करना है, देन अगर आप बाहर जाते हो, ज़्यादा बाहर जाते हो, आपके फेस पर बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है तो आप रोज़ स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। फेस वॉश के बाद आपको स्क्रब यूज़ करना है एंड आपको 2-3 ड्रॉप्स इस मैजिकल क्रीम की अपने फेस पर अप्लाई करना है। एंड इसके बाद अपने फेस पर हल्के हाथ से फेस मसाज देनी है, जैसा मैं वीडियो में कर रही हूँ सेम आपको वैसे ही अप्लाई करना है। इस मैजिकल क्रीम का रिजल्ट आपको 1 वीक में ही देखने को मिल जाएगा। जब क्रीम फेस पर अच्छे से अप्लाई हो जाए, देन आपको यूज़ करना है फेस रोलर। ये जो आपने ड्रॉप्स लगाई थी ना, ये फेस रोलर आपकी स्किन में एब्जॉर्ब करवा देगा पूरी क्रीम को। सो गाइस, आई होप आपको यहाँ प्रोसेस समझ में आ गई होगी क्या करना है अपने स्किन रूटीन में। इसी तरह से वेलकम टू समर का सेकेंड पार्ट भी कम्प्लीट होता है। तो गाइस, थर्ड पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड यहाँ वीडियो की होती है एंडिंग, एंड आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये शीट मास्क से जो मैंने ये फेस क्रीम बनाई है ये आपको कैसी लगी एंड आपका रिजल्ट कैसा था, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।